आईपीएल का ये सीजन चौंका रहा है। जहां बड़े बड़े खिलाड़ी धराशाही हो रहे हैं, वहीं गली कूचे से मजकर गरीबी के तवे में तपकर निकले गुमनाम खिलाड़ी अपने खेल से धूम मचा रहे हैं। रिंकू सिंह और तिलक वर्मा के जौहर को तो दुनिया देख ही चुकी थी, अब बारी यशस्वी जायसवाल की थी। आईपीएल के सीजन में सबसे बड़ी और सबसे धमाकेदार पारी खेलकर यशस्वी ने अपनी बैटिंग का लोहा मनवा लिया है। उनकी इस पारी और अंदाज को देख सारी दुनिया हैरान रह गई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी मुंबई के आजाद मैदान के बाहर गोलगप्पे खिलाने वाला यह लड़का विरोधी टीम के धुरंधर गेंदबाजों को पानी पिला देगा। आखिर उसकी बरसों की मेहनत की तपिश हर किसी ने महसूस की। आज भले ही उसका यश दुनिया के चारों कोनों में फैला हो, लेकिन हालात इतने आसान भी नहीं थे। उसने गरीबी की तपिश झेली है, वो भूख की लपटों से खेला है, टेंट में रातें गुजारी हैं, अपने बदन को चलचलाती धूप में तपाया है, तब जाकर इतना यश पाया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल की। तो उनकी अर्ज से फर्ज तक की जर्नी से जुड़िए और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक। यशस्वी जायसवाल का जन्म 28 दिसंबर 2001 को यूपी के भदोही जिले में हुआ था। वो 6 भाई बहनों में चौथे नंबर पर थे। पिताजी एक छोटी सी हार्डवेयर की दुकान चलाते थे तो माँ घर संभालती थी। यशस्वी को बचपन से क्रिकेट खेलने का शौक था। घर से ज्यादा अपने मोहल्ले की गलियों में क्रिकेट खेलते पाए जाते। कुछ बड़े हुए तो उन्हें समझ में आ गया कि यहाँ रहकर कुछ कर पाना नामुमकिन है। बस पिताजी से जिद ठान बैठे कि उन्हें मुंबई जाना है। पिताजी भी किस मुंह से रोकते, 8 लोगों के परिवार में एक के कम होने से थोड़ी ही सही राहत तो मिलती, और वैसे भी यहाँ यशस्वी कौन सा तीर मार लेता। पिताजी ने उन्हें नहीं रोका, मुंबई में रहने वाले एक रिश्तेदार से बात की और भेज दिया। महज 11 साल की उम्र में यशस्वी मुंबई तो पहुंच गए, लेकिन एक कहावत है ना कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। वो उन रिश्तेदारों के घर तो पहुंचे, लेकिन वहां रुकने का ठौर नहीं मिल सका। कहते हैं कि मुंबई जैसे शहर में सर छुपाने की जगह मिल जाए वही बहुत है। एक अदद छत की तलाश में उधर बदर भटकते रहे। आखिरकार किस्मत को उन पर तरस आ गया, उन्हें सोने भर की जगह मिल गई। लेकिन एक शर्त थी, शर्त ये थी कि उन्हें सोने की जगह तो मिलेगी लेकिन काम भी करना होगा। बेचारे यशस्वी के पास शर्त मानने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। लेकिन अभी उनका इम्तिहान बाकी था, उनके सर पर छत ज्यादा दिनों तक नहीं रह सका। असल में उस डेरी वाले ने देखा कि लड़का दिन भर तो क्रिकेट खेलता रहता है और शाम होते ही थककर सो जाता है। अब मुफ्त में तो फुटपाथ पर ही जगह मिल सकती है। डेरी वाले ने उसे दूसरा ठिकाना ढूंढने का अल्टीमेटम दे दिया। यशस्वी एक बार फिर सड़क पर थे, अपना झूला झंडा लिए निकल पड़े एक नए ठौर की खोज में। भले ही अब तक उन्हें मंजिल न मिल पाई हो, लेकिन हार मानना इस लड़के ने शायद नहीं सीखा था। चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उसके कदम जरा भी नहीं थमे। महज 11 साल का वो लड़का मुंबई की सड़कों की खाक छान रहा था। आखिरकार उसकी खोज खत्म हुई मुंबई के आजाद मैदान में। आजाद मैदान यानी क्रिकेट की नर्सरी। इस मैदान में एक से एक धुरंधर खिलाड़ियों ने मैच खेले हैं, यहीं से सफलता की सीढ़ियां चढ़ी। सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ियों का खेल यहीं से निकला। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मैदान में 22 क्रिकेट पिच हैं। यहाँ भी उनके लिए कोई बेड या मोटे मुलायम गद्दों का इंतजाम नहीं था, बल्कि उन्हें नसीब हुआ था एक अदद टेंट। जी हाँ, टेंट जहाँ न बिजली होती है, न पानी और न ही किचन या बाथरूम, लेकिन जिसकी नजर मंजिल पर होती है वो रास्तों में बिछे कांटों को नहीं देखा करते। वो मैदान के ग्राउंडमैन के साथ टेंट में रहा करते, दिन भर खेलते और रात में टेंट में सो जाते। उन्होंने लाख दिक्कतें झेली, लेकिन अपने माँ बाप को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। उनकी नजरें तो बस मंजिल पर टिकी हुई थी। हालांकि पिताजी को फिर भी अपने बेटे की चिंता रही। भले ही दो वक्त के खाने का इंतजाम बमुश्किल हो पाता रहा, लेकिन बेटे के लिए खर्च भेजते रहे। ये और बात है कि अक्सर ही वो पैसे कम पड़ जाया करते थे, लेकिन यशस्वी ने इस समस्या का हल भी निकाला और शाम के बचे समय में उसी आजाद मैदान के बाहर गोलगप्पे बेचने लगे, जिसके अंदर वो दिन भर प्रैक्टिस किया करते थे। यशस्वी को टेंट में यूं रहने को नहीं मिला था, बल्कि इसके लिए उन्हें काम में हाथ बटाना पड़ता था। वो सबके लिए रोटियां बनाया करते, बदले में उन्हें भी खाना मिल जाया करता था। लेकिन मुंबई जैसे शहर में पैसे कभी पूरे नहीं पड़ते, पैसे कमाने के लिए हर जुगत भिड़ानी पड़ती है, और यहाँ तो यशस्वी की जेब भी फटी थी। यशस्वी अक्सर मैदान में गुम हुई गेंदों को ढूंढकर लाने का काम भी किया करते थे, इसके बदले में उन्हें कुछ पैसे मिल जाया करते थे। आजाद मैदान में अक्सर ही बॉल खो जाया करती है। बॉल को ढूंढने के लिए कई लड़कों को लगाया जाता है, लेकिन अब इस लड़के का बुरा वक्त खत्म होने वाला था। एक दिन इसी मैदान पर जब यशस्वी खेल रहे थे, तब कोच ज्वाला सिंह की नजर उन पर पड़ी। उनकी बैटिंग देखकर ज्वाला सिंह हैरान रह गए, और उस दिन उसी पल उन्होंने फैसला कर लिया कि वो खुद इस लड़के को कोचिंग देंगे, वो भी फ्री में। उन्होंने इस लड़के को अपने घर पर रखा और पूरी जिम्मेदारी ली, और इस तरह खिलाड़ी को ढांचे में ढालने वाला कुम्हार मिल गया। उसकी मेहनत जल्द ही रंग लाई। साल 2015 में एक स्कूल कंपटीशन में यशस्वी ने न केवल 319 रन नॉट आउट बनाए, बल्कि 99 रन देकर 13 विकेट भी चटके। अपने ऑलराउंड खेल के लिए यशस्वी का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। इसके लिए
रियो मुंबई की अंडर 16 में भी चुन लिए गए, जहां से अपने खेल के दम पर वो इंडिया अंडर 19 का हिस्सा बन गए। 2018 में हुए अंडर 19 एशिया कप में जायसवाल ने अपने नाम का ढंका बजा दिया। इस टूर्नामेंट में जायसवाल ने 318 रन बनाए और हाईएस्ट स्कोरर रहे। यही नहीं, उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया। यशस्वी का धुआंधार फॉर्म 2019 में भी जारी रहा। इंग्लैंड में हुई एक त्रिकोणीय सीरीज के दौरान 7 मैचों में 294 रन जड़ दिए, जिसमें 4 हाफ सेंचुरी भी शामिल थी। इसी साल हुए विजय हजारे ट्रॉफी के एक मैच में यशस्वी ने 154 गेंदों पर 203 रन बना दिए। इसी के साथ वो लिस्ट ए वनडे मैचों में डबल सेंचुरी जड़ने वाले दुनिया के सबसे युवा बल्लेबाज बन गए। तब वो महज 17 साल 292 दिन के थे। यशस्वी को लगातार अच्छे खेल का फल मिला और अगले साल होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए टीम में सेलेक्ट कर लिए गए। इस टूर्नामेंट में वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। इसमें पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में जड़ा गया शतक भी शामिल है। इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला। जल्द ही वो आईपीएल फ्रेंचाइजी की नजरों में आ गए और 2020 की नीलामी में उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 2,40,00,000 में खरीद लिया। अब मौका था अपने सपने को सच करने का। उम्मीदों और आशाओं का एक नया आसमान उनके लिए खुल गया था। सफलता उन्हें बाहें फैलाए अपने पास बुला रही थी, लेकिन यशस्वी के कदम यहाँ तक आते आते ठिठक गए। 2020 के सीजन में यशस्वी को खुद को साबित करने के ज्यादा मौके नहीं मिले। वो 3 मैचों में 40 रन ही बना सके, इसमें से एक 34 रनों की पारी भी शामिल है। हालांकि आरआर ने अगले सीजन में भी यशस्वी पर भरोसा कायम रखा और इस साल उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का भरपूर मौका मिला। इस साल उन्होंने 10 मैचों में 25 के एवरेज से 249 रन बनाए। इसमें चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ लगाया गया अर्धशतक भी शामिल है। अगले सीजन में भी लगभग इसी एवरेज से इतने ही मैचों में उन्होंने 258 रन बनाए। हाँ, अपने हाईएस्ट स्कोर का आंकड़ा सुधारते हुए उसे 68 तक जरूर पहुंचाया। अब तक वो साबित कर चुके थे कि टैलेंट उनमें कूट कूट करके भरा था। दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी उन्हें धीरे धीरे ही सही लेकिन पहचानने लगे थे। 30 अप्रैल 2023 मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, आईपीएल इतिहास का 1000वां मैच राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाना था। वैसे तो 1000वां मैच होने के चलते यह मैच खास था, लेकिन ये किसी और वजह से भी खास होने जा रहा था। टॉस जीतने के बाद आरआर पहले बैटिंग करने उतरी। ओपनिंग जोड़ी यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर मैदान पर थे। लोगों को उम्मीद थी कि टीम एक बड़ा टोटल खड़ा करेगी और आज उसका जिम्मा अपने कंधों पर लिया था यशस्वी जायसवाल ने। आते ही आते उनके बल्ले ने आग उगलनी शुरू कर दी। यशस्वी इतना भरे बैठे थे कि अपनी इनिंग की शुरुआत ही कैमरन ग्रीन के पहले ओवर में सनसनाता हुआ छक्का मार करके कर दिया। उनके खुखार रूप का अंदाजा इसी से लगाइए कि पावर प्ले खत्म होने तक आरआर ने स्कोर बोर्ड पर 65 रन टांग दिए थे। इसमें से भी अहम योगदान तो यशस्वी का ही था। बटलर तो दूसरे छोर पर खड़े यशस्वी नाम के तूफान का मजा ले रहे थे, लेकिन जल्द ही दूसरे छोर पर विकेटों के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। यशस्वी एक छोर पर पूरी मजबूती से डटे हुए थे। वैसे तूफान में तब्दील हो चुके थे, जो सब कुछ तहस नहस करने के बावजूद थमने को तैयार नहीं था। उसने केवल 53 गेंदों में अपना पहला शतक पूरा कर लिया था। उसके खेल को देखकर पूरी दुनिया हैरान थी। उसके सामने एक से एक धुरंधर गेंदबाज थे, लेकिन आज उसके सामने सब पानी मांग रहे थे। कोई ऐसा नहीं बचा था जिसकी गेंदों को उसने सीमा रेखा की सैर नहीं करवाई। मुंबई इंडियंस का गेंदबाजी अटैक यशस्वी की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के आगे नस्ते नाबूद हो चुका था। इसके साथ ही वो शतक जड़ने वाले आरआर के सातवें बल्लेबाज बन बैठे। यही नहीं, वो शतक जड़ने वाले चौथे सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए। लेकिन ये खिलाड़ी अभी भी रुकने वाला नहीं था, बल्कि उसके बल्ले ने शतक जड़ने के बाद और उग्र रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते वो 124 के स्कोर पर जा पहुंचा। वो तूफान और तबाही मचा पाता इससे पहले ही अरशद खान की गेंद उसका विकेट ले उड़ी। लेकिन आउट होने से पहले यशस्वी आईपीएल के सीजन की सबसे बड़ी और सबसे धमाकेदार पारी खेल चुके थे। इस सीजन में अभी तक यशस्वी का बल्ला खूब गर्जा है। वो अभी तक खेले 9 मैचों में करीब 47 के एवरेज से 428 रन बना चुके हैं। यशस्वी की कहानी साबित करती है कि अगर मन में साहस, हिम्मत, जुनून और जज्बा हो तो दुनिया की कोई भी ताकत या मुश्किल उसे कामयाब होने से नहीं रोक सकती है। यशस्वी की कहानी उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है जो तमाम झंझावतों से जूझते हुए भी अपना एक लक्ष्य लेकर अपनी तकदीर बदलने निकल पड़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यशस्वी का यश दुनिया भर में दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से फैले। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।